मस्ती के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान रुहा राशिद। और इंटरटेनमेंट के हवाले से आपको एक अपडेट देती चलूँ कि आतिफ असलम के आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, उन्होंने अपनी सिंगिंग के जौहर जगह जगह दिखाए हैं डिफरेंट ममालिक में और डिफरेंट शहरों में भी। तो आपको बताती चलूँ कि आपने आतिफ असलम को बड़े पर्दे पर देखा होगा जब उन्होंने बोल फिल्म की थी, जो कि एक हिट फिल्म थी जिसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, जिसका कंटेंट बहुत अच्छा था और आतिफ असलम उसमें माहिरा खान के ऑपोजिट आए थे और उनको बहुत पसंद किया गया था। अब कई सालों के बाद आप आतिफ असलम को देखेंगे छोटे पर्दे पर। वो सीक्वल कर रहे हैं एक ड्रामा सीरियल का जिसका नाम है संगे मरमर, और उसमें अभी उनकी ओपोजिट कास्ट तो जिसे कहते हैं हमें पता नहीं चली, लेकिन ये हमें कन्फर्म न्यूज़ मिल चुकी है कि आतिफ असलम को आप ड्रामाज में देखेंगे। और आपको ये भी बताती चलूँ कि संगे मरमर में कुबरा खान थी और हानिया आमिर थी। अब आतिफ असलम एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में कभी कोई स्कैंडल्स नहीं आते, जिनके बारे में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं फैलती कि उनका बिहेवियर या एटीट्यूड कैसा है, तो उनको यकीनन जो है वो दूसरे ममालिक के लोग भी बहुत पसंद करते हैं। और इस ममालिक के भी आतिफ असलम के थ्रू हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्रमोट होती है या नहीं ये तो हम देखेंगे, और यकीनन उन्हें दूसरे ममालिक के लोग भी ज़रूर देखेंगे, जिससे हमारी जो लॉलीवुड है या जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास हैं वो भी प्रमोट ज़रूर होंगे। और आतिफ असलम को बहुत पसंद किया जाएगा यकीनन, जिस तरह मैं एक्साइटेड हूँ उस तरह बहुत से लोग भी एक्साइटेड होंगे कि हम कब आतिफ असलम को देखेंगे। रफ्तार रफ्तार अभी रिसेंटली ही तकरीबन 2 हफ्ते पहले आतिफ असलम का एक सॉन्ग आया जिसका नाम है रफ्ता रफ्ता, जिसमें वो खुद एक्टर हैं और सजल अली उनके ऑपोजिट हैं और मिलियंस में उसके व्यूज़ जा चुके हैं। इसी तरह मुझे बिल्कुल यकीन है कि जब आतिफ असलम को हम देखेंगे उस सीक्वल में संगे मरमर के, तो वो बहुत ही पसंद किया जाएगा। अब अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान रुहा राशिद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।